इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th मैथ्स के लिए बेटा, चैप्टर 5 का ये क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है फंक्शन इज कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो बच्चे कंटिन्यूज होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल है। अब फंक्शन आपके पास दिया गया है एट 1 पे एक्स इज इक्वल टू 1 11 दिया गया है, ठीक है, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे आप ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 नेगेटिव, हमारे पास वैल्यू दी गई है नेगेटिव के लिए 5ax माइनस 2b, ओके। तो लिमिट एच अप्रोचेस 0 5a, अब यहाँ जो 0 है h वो बहुत स्मॉल वैल्यू जो 1 से माइनस हो रही है, ठीक है, माइनस 2b हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 5a माइनस 5ah माइनस 2b। अब लिमिट आपके पास अगर आप एच इसमें वैल्यू डालते हैं 0 तो 5a माइनस 2b आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से आपके पास है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए हमें फंक्शन जो दिया गया है एक्स अप्रोचेस 1 पॉजिटिव ये दिया गया है 3ax प्लस बी। अब बेटा लिमिट एच अप्रोचेस 0 3a 1 प्लस एच हो जाएगा, बहुत स्मॉल वैल्यू जो 1 में ऐड हो रही है, तो लिमिट एच अप्रोचेस 0 3a प्लस 3ah प्लस बी, ओके। तो यहाँ पे हमने h की वैल्यू डाली तो ये 0 हो गया, ये आ गया आपके पास। अब ये दोनों वैल्यू आप क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास 5a माइनस 2b इक्वेट कर लेंगे आप इसको किससे, फंक्शन हमारे पास कितना था 11 से, इसको ले लो इक्वेशन एक सेकेंड इक्वेशन। अब ये 3ab इज इक्वल टू 11 कर लो और ये हमारे पास दूसरे स्टेप में आ जाओ 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11, ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकाल लें। इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22। फिर इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये 22 अपॉन में बेटा माइनस किया आपने, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ऐड किया आपने, माइनस नहीं किया, क्या किया ऐड किया, कट हो गया क्योंकि साइन देख रहे हैं आप अलग अलग है। तो 11a इज इक्वल टू 33, a की वैल्यू 3 आ गई। एक इक्वेशन में आप a की वैल्यू रखेंगे हमारे पास आ जाएगा 9b 11, b की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, थैंक यू।